साथियों वेलकम टू विजन आईएएस एकेडमी, मैं गुरुजी, जेके एमसीक्यू में स्वागत है आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एम एन राय, जिनका पूरा नाम मानेंद्र नाथ राय था, उन्होंने 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और इंट्रोड्यूस टू कम्युनिज्म टू इंडिया। निम्नलिखित में से पहला बंगाली अखबार कौन सा था? फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर। समाचार दर्पण वॉज फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर, जो 23 मई 1818 में आया। और बंगाल गजट पहला अंग्रेजी अखबार था। समाचार दर्पण भारतीय भाषा में छपने वाला पहला अखबार था, और पहला भारतीय अखबार जो है बंगाल गजट को कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप देखिए अच्छे से। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस स्टेट में आता है? भीमा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसको अदर तरीके से पकड़े, जैसे भीमा आप रिवर को सोचेंगे तो आप थोड़ा सा उसके आसपास पहुंच पाएंगे। भीमा बेसिन सिचुएटेड इन कर्नाटका, जहां 1995 में यूरेनियम की खोज शुरू हुई। हालांकि यूरेनियम के लिए भारत में झारखंड की जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है, और जादूगोड़ा की खाने जो है विश्व में सबसे गहरी खानों में गिनी जाती है। संगीत के क्षेत्र में तानारीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तानारीरी प्राइज इन म्यूजिक फील्ड गिवन बाय गुजरात गवर्नमेंट। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की प्रेरणा के लिए नींव रखने के लिए कौन सी समिति को जाना जाता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर के लिए रंगराजन कमेटी थी, उन्होंने इसके बारे में अप्रोच किया था। बोधायन का सर्वसूत्र ग्रंथ जो है उसका सही समय क्या माना जाता है, या उसका रिलेशन किससे है? तो स्क्वायर टू रूट टू। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? शामी विधि विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। और सभी जानते हैं इतिहास पढ़ने वाले कि जो हिटलर है उन्होंने काफी सारे लाखों की संख्या में यहूदियों की हत्या करी थी, और विश्व का एकमात्र यहूदी राष्ट्र जो है इसराइल है, और वहाँ की ऐसी कंडीशन है कि कोई भी यहूदी है कहीं भी जन्म लेता है तो वह इसराइल का निवासी माना जाएगा, उसे इसराइल की नागरिकता मिल सकती है। अरोरा बोरिलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये ज्योग्राफिकल सिचुएशंस है जिसमें जो ध्रुव रहते हैं उनके ऊपर अलग ही तरह से आतिशबाजी जैसा नजारा आता है। तो अरोरा बोरिलिस की जो घटना है वो किससे रिलेटेड है? तो जब उत्तरी ध्रुव पर आतिशबाजी जैसा नजारा आता है तो उसे अरोरा बोरिलिस कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव पर नजर आता तो उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना की थी? आरजी हुकूमत के संस्थापक कौन थे? तो आरजी हुकूमत जो है समलदास गांधी है, उन्होंने स्थापित की थी। धन्यवाद।